हेलो गेमर्स, वेलकम टू थीफ सिमुलेटर। लास्ट एपिसोड के अंदर गेमर्स, हम लोगों ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराया था एक अमीर बंदे के घर से, जो हमको हमारे बॉस ने बोला था। और आज के एपिसोड में हमको एक नया मिशन मिला है, जहाँ पे हमको 101 घर में जाना है, मतलब घर नंबर 101। और वहाँ पे जाके मुझे कैमराज मार्क करने की, उस घर में कितने कैमराज है और क्या सीन है। एंड गेमर्स, एक और चीज़, जब मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था, मुझे एक घर में से एक मोबाइल फ़ोन, एक्चुअली दो मोबाइल फ़ोन्स मिले, एक सैमसंग का मोबाइल है एंड एक हवाई का मोबाइल है। बट इन मोबाइल फ़ोन्स को मैं इसको बेच नहीं सकता, ये बोल रहा है कि आई वोंट बाय दिस, वाइप इट एंड देन वी कैन टॉक। इसका मतलब ये ना एक्चुअली वो पूरा मोबाइल फ़ोन लेने को तैयार नहीं है। मुझे आई थिंक इस मोबाइल को हैक वगैरह करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो बंदा है वो हमसे मोबाइल फ़ोन को बाय करेगा। तो उसके लिए भी आई थिंक मुझे कुछ हैकिंग स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बट वो बात की बात है। अभी सबसे पहले चलते हैं घर नंबर 101 पे और वहाँ पे जाके हम अपना मिशन कम्प्लीट करेंगे, मतलब मार्क करेंगे कैमराज कहाँ कहाँ पे। तो ये ग्रीन व्यू, वेट, अभी यहाँ पे एक नया नेबरहुड अनलॉक हो गया। व्हाट भाई रिची RST, ये क्या है? पहले बस ग्रीन व्यू ही था, वो मैंने कुछ मतलब मिशंस ऑफलाइन कंप्लीट कर रहे थे ऑफ कैमरा, दैट्स आई थिंक ये नया अनलॉक हो गया। भाई ये तो बहुत सही है। देन ओ माय गॉड गाइज, एक नया नेबरहुड अनलॉक हो गया, दिस इज क्रेजी। मतलब यहाँ पे सारे 200 की सीरीज है, 201, 207, 8, मतलब ये वाले आई थिंक एरिया में ना सारे अमीर लोग रहते हैं। इसका मतलब आने वाले मिशंस और भी ज़्यादा मुश्किल और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। एक बार ना जाके देखते हैं कि कौन से नेबरहुड और कितने बड़े बड़े बंगले। बट देखो ये वाले नए एरिया में कितने अमीर लोग रहते हैं भाई। इसका तो बंगला भाई कितना बड़ा है। ओके, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज वगैरह भी है। अरे भाई ओके, तो ये जो नया एरिया अभी यहाँ पे अनलॉक हुआ है, ओ भाई ये तो भाई कितना बड़ा घर है। नाइस, तो ठीक है, समझ गया, हमें एक नया नेबरहुड अनलॉक हुआ है। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हमारा जो मिशन है 101 वाला, हमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हमको यहाँ के भी मिशन मिलेंगे। ऑब्वियसली हमारा बॉस हमको और भी चोरियाँ करवाएगा, इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। तो भी यहाँ से बाहर निकल लेते हैं और सीधा चलते हैं 101 में और वहाँ पे जाके कैमराज मार्क करते हैं, वहाँ पे कितने कैमराज है और क्या है। मैं सीधा नहीं जा सकता क्या वहाँ पे? ऑलरेडी कोई बात नहीं, अभी सीधा घर पे चलते हैं और घर पे जाके हम वहाँ पे जाएंगे वापस। अभी गेमर्स, हम लोग वापस से ग्रीन व्यू में आ गए हैं और यहाँ पे 101 नंबर का घर ये वाला लग रहा है मुझे। ओके, तो एक काम करते हैं, गाड़ी को ना मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और मुझे वहाँ पे जाके सिक्योरिटी कैमराज को मार्क करना है। घर के अंदर कितने सिक्योरिटी कैमराज है, आई डोंट नो ये चीज़ कैसे होती है। सामने से जाना पड़ेगा। ओह आई थिंक वो सिक्योरिटी कैमरा है। ओके मार्क हो जा। ओके हो गया मार्क। ओके अभी विनय का कॉल आ रहा है। हेलो, वाइप अ मोबाइल राइट? सी दैट यू डू, यू नो हाउ टू वाइप मोबाइल, सी दैट। क्या अभी क्या करना है मुझे? मुझे अंदर जाना है। ओह गाइस, अभी मुझे घर के अंदर जाना है और क्या मोबाइल चुराना है मुझे? पता नहीं क्या चुराना है। स्टील, क्या यहाँ पे मिशन भी आया, एक सेकेंड। स्टील टेबल विथ इम्पॉर्टेंट डेटा, टैबलेट विथ इम्पॉर्टेंट डेटा। ओके, एक टैबलेट को चुराना है मुझे घर नंबर 101 से, मतलब 101 के अंदर से। बट ओके, ये कैमरा की रेंज है। ओ वेट, घर के अंदर मुझे कोई दिखाई भी दे रहा है। अरे भाई, ओह माय गॉड, ये घर से बाहर कब जाएगा? ये घर से बाहर बहुत कम जाता है गाइज। घर के अंदर टोटल दो बंदे और वो बाहर ही देख रहा है। अरे भाई मे बी ना मुझे ये गाइज यहाँ पे रात में आना पड़ सकता है। एक बार आसपास देखते हैं इस घर के आसपास क्या है, मे बी और वेट यहाँ पे। ओके ये छुपने के लिए जगह है। ओके डेफिनेटली और कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। वेट ये क्या चीज़ है? वेट ये आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो कैमरा बंद हो जाएगा ना। हाँ ये सही है। यस ओके, लगभग 230 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अभी मैं घर के अंदर आई थिंक एंटर कर सकता हूँ। जाओ क्या अभी मैं? और यार वो तो इधर ही देख रही है। एक सेकंड सामने से चलते, सामने से कोशिश करते हैं अंदर घुसने की। कमॉन जल्दी लोग आए उससे पहले निकल लेते हैं और वो टैबलेट लेके आते हैं जो कि सीक्रेट टैबलेट है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी। जाना जल्दी नीचे। ओके परफेक्ट, ये हो गया, खुल गया ये। अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। कमॉन कैमरा तो ऑफ है। कमॉन ओके, इधर से ऊपर जाना है। कमॉन जल्दी। ओके गाइज ऊपर तो आ गया मैं, बहुत बढ़िया। अभी अंदर कहाँ से जाऊँ मैं? ओके यहाँ से। मुझे पता ही, ओह वो आई थी ऊपर आ रही है। ओह नो, वो ऊपर आ रही है। अरे यार वो ऊपर आ गई, इसकी ऐसी की तैसी। गाइस वो उधर ही है। अबे मैं दूसरी जगह पे भी जा नहीं सकता। एक सेकेंड, नीचे चलते हैं, नीचे चल, इधर चल, यहाँ से अंदर चलते हैं। ये इनके टॉयलेट से अंदर चलते हैं क्योंकि वो घर के अंदर आ गए यार। ओके हाँ, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें उठाते हैं। यहाँ पे क्या पड़ा है? कुछ पड़ा है सीक्रेट।
वाओ गाइस, इनका घर काफी बड़ा है भाई। वो टीवी यहीं पे देख रहा है क्या? अरे यार वो तो टीवी इधर ही देख रहा है यार। हाउ आई थिंक मुझे ना रात को आना पड़ेगा फिर। आई मीन रात को ना ज़्यादा से मतलब ज़्यादा लोग घर के अंदर होते नहीं है अभी तो, मुझे नहीं लगता वो ये जब तक अभी यहाँ से जाएगा नहीं तब तक मैं अंदर कैसे जाऊँगा। वेट, क्या मैं इधर से छुप के जा सकता हूँ? उसको दिखूँगा तो नहीं ना मैं? ओके मैं उसको नहीं दिख रहा हूँ जो कि अच्छी बात है। नहीं उसको, उसने देख लिया आई थिंक। उधर देख इधर मत देख। ओके 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 बहुत बढ़िया। ओके ओके गाइस बच गया मैं भाई, बच गया बहुत बढ़िया। अब एक बार टेबल के अंदर वगैरह देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। अरे यार ये तो ड्रावर ऑफ है मतलब उसको मैं उठा नहीं सकता। ये वाला दरवाज़ा बाहर जाता है, कम ऑन जल्दी से खोल लो इसको प्लीज़। वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके ये पीछे की तरफ आ गया मैं। ओके पैसे पड़े थोड़े से, लेट्स गो। $50 मिल गए। ये यहाँ पे वेस्ट था एक बॉटल, इसको भी उठा लिया। बट मुझे यार ऊपर के कमरे में जाना है, वो टैबलेट चुराना है। और वो औरत वापस से उठ गई यार। मैं वापस से मेन डोर से अंदर जाऊँ क्या फिर? काम करते हैं गाइस, मैं वापस से मेन डोर से अंदर जाने वाला हूँ। चलो जल्दी ऊपर, चलो ऊपर, चलो जल्दी जल्दी। आई थिंक गाइस मिशन हो जाएगा, बस वो वापस इधर ना आ जाए कभी। ओके हो यहाँ पे गिटार है, उठा लो गिटार, उठा लो। ओके उठा, ओह सेफ। ओ आई थिंक इसी के अंदर वो मोबाइल पड़ा है। ठीक है जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओके ओस 85 आ गया, अभी बस आखिरी का एक नंबर चाहिए। हो गया, यस टैबलेट गाइस, आई मीन टैबलेट मिल गया, नाइस। और आईफोन है सैमसंग, ओके सैमसंग का फ़ोन है। और ये हवाई का फ़ोन एक और मिल गया। बट इसको बेचने के लिए मुझे यार वो चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, हैकिंग सीखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। और यहाँ पे गिटार भी है बट अभी मैं उसको ले नहीं सकता यार, सो सैड। आई मीन ये मेरे को मोबाइल फ़ोन्स तो मिल गए बट अभी मुझे इनको चलाने के लिए हैकिंग सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ओह व्हाट व्हाट, एक सेकेंड वो बंदूक ले भाई, ये क्या था? आई मीन व्हाट, जितने भी मैंने सारी चीज़ें वहाँ से उठाई थी सारी की सारी चीज़ें चली गई। अभी कहा एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे फिर रात में आऊँगा, अभी ना दिन में वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शोर वगैरह हो रहा है। दैट्स वाई काम करते हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी। यहाँ पे पार्किंग लॉट है क्या? यहाँ पे एक यहीं पे क्या? ओके यहाँ पे है पार्किंग लॉट, इधर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और मैं 9 या 10 बजे आऊँगा मे बी वहाँ पे ना, मतलब उस वक्त सारे लोग यू नो सो जाएंगे, तो वो आई थिंक बेटर ऑप्शन है। तो 9 बजे अभी सुबह के, यार सुबह बज रहे हैं, आई मीन यार रात के 9 बजे चलते हैं। ये रात के 9 बजेंगे, ओके यार रात के 9 बज गए, अभी अभी ठीक है, अभी हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ओके होप करते हैं इस बार चोरी एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। आई थिंक रात को ये सारे लोग सो जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी मैं एक बार ऑफ करना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब कैमराज ऑफ करते बाई एक बार, बस घर के अंदर चले जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफ कर दी है और अभी आई थिंक रात में घर में कोई नहीं है। जल्दी से घर के अंदर चलते, बस मेरे को कोई लोग देखना ले। कम ऑन जल्दी ओपन कर, जल्दी ओपन कर। इस बार मैं कुछ भी हो जाए वो टैबलेट लेके ही आऊँगा। और नीचे आई थिंक ज्वेलरी वगैरह भी है इस घर के अंदर, तो मुझे उसको भी लेके आना है। ओके गाइस मेन डोर ओपन हो गया, जल्दी से अंदर चलो। और कैमरा ऑफ है, आई थिंक सारे लोग सो गए या घर के अंदर नहीं है, पता नहीं है। बट अच्छी बात है, अगर घर के अंदर नहीं होंगे तो ही बढ़िया है हमारे लिए। कम ऑन जल्दी जल्दी ओपन हो जा, नाइस हो गई ओपन विंडो, नाइस गाइस। वापस से मैं घर के अंदर आ गया, सबसे पहले गिटार उठाओ, दो गिटार है, दोनों गिटार को उठाओ। और अभी यार पूरा स्पेस फुल हो गया मेरा, अभी सबसे पहले अभी वापस से यार उसको खोलना पड़ेगा, ये लॉक खोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके खुल गया, अभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाना है। कमॉन 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 जल्दी 31। ओके आवाज़ चेंज हो रहा है, आवाज़ जैसे चेंज हो जाता है मुझे अपना डायल को रोकना है वहाँ पे। ओके गाइस ओपन हो गया ओपन। अरे वो डॉक्यूमेंट्स, अरे आई थिंक मैंने चुरा लिया ऑलरेडी। ओ वेट आई थिंक गाइस वो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, मुझे लगा यार वापस तो ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो आई थिंक मेरे पास आ गए या उसने अलग सेफ में रख दिया भाई, पता नहीं मे भी उसने अलग सेफ में रख दिए होंगे। भाई घर के अंदर तो कोई नहीं है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे ओके भाई पैसे वगैरह पड़े दुनिया भर के, मैं ना घर को चेक करने वाला होगा जब भी पूरी तरीके से। ये आई थिंक अमीर लोग हैं ऑब्वियसली यार, इतना बड़ा बंगला है तो अमीर तो बंदा होगा ही। ये वाले रूम, ओ इधर भी पैसे पड़े। अरे भाई $50 तो ऐसे मिल रहे हैं। मैंने दो गिटार उठाए थे, वेट यहाँ पे क्या पड़ा है, ये क्या चीज़ है? वो कंट्रोलर्स कॉन्सोल्स हैं, दो कॉन्सोल्स, ठीक है दोनों कॉन्सोल्स डाले, टीवी भी है। भाई ये घर ना मेरे को अमीर करने वाला है सीरियसली। और ये कुछ वाइन की बॉटल्स इनको उठा लेते हैं, यार मेरा स्पेस आई थिंक फुल हो जाएगा। ओह वाओ एक कॉफ़ी मेकर मशीन है, इसको उठा नहीं सकता मैं, ठीक है। अभी और क्या क्या घर में मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे वापस आना है बाकी की चीज़ें ले जाने के लिए। वाओ ये यहाँ पे गाड़ी है और आई थिंक ये अलार्म है गाड़ी का। वॉट क्या मैं ये गाड़ी चुरा सकता हूँ? आई थिंक गाइज हम गाड़ी चुरा सकते हैं।
भाई फिर तो बहुत सही हो जाएगा। नाइस। बट ये कार के सामने, आई थिंक मैंने कार को अगर टच किया तो अलार्म बज जाएगा, पुलिस आ जाएगी। और यहाँ पे भी पैसे पड़े यार। अभी मैं इसको कैसे ले जाऊँगा? आई मीन हाउ डू आई डू दिस? मे बी कुछ कार के सिक्योरिटी सिस्टम को मुझे हैक वगैरह करना पड़ेगा। वो वेट, यहाँ पे भी एक सेप है, क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? इसको ओपन करते हैं, मैं बेस के अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे गाड़ी भी है, हम उसको भी चुराएंगे मे बी नेक्स्ट एपिसोड में। पता नहीं या आज के एपिसोड में हमको मिल सकता है, अगर मिल गया तो भाई बहुत सही हो जाएगा। ओके 68 आ गया, जल्दी ओपन हो जा। ये सेफ के अंदर वैसे कुछ होगा कि नहीं पता नहीं, बट सेफ के अंदर ऑब्वियसली ना महंगी चीज़ें होती है, तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा वो। ओके 85, कम ऑन आखिरी बस बचा है, जल्दी। इसको भी ओपन करते हैं फिर, मे बी इसके अंदर कुछ एक्सपेंसिव होगा। मेरे पास अभी लगभग $4,700 है। कमऑन, ओके खुल गया। कहा इसके अंदर वो ज्वेलरी है भाई, मैं तो मालामाल हो गया। नाइस, ओ भाई साहब गाइस ज्वेलरी मिल गई। बस अभी इस घर में एक गाड़ी बची है, इस गाड़ी को लेके जाना है भाई। सीरियसली बहुत फ़ायदा हो गया भाई ये घर के अंदर आने का, मतलब मज़ा आ गया। और सिक्योरिटी कैमरा ओपन होने वाले, तो मैं इधर से निकल लेता हूँ, दरवाज़ा ओपन कर लो। कमन 19 सेकंड्स के अंदर इधर से निकल लेते हैं। मेरे पास अभी मेरा बैकपैक भी फुल हो चुका है, तो दरवाज़ा ओपन और इधर से निकल लेते हैं। परफेक्ट, किसी को भी पता नहीं चला, हमने चोरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। अरे भाई साहब, और अभी मेरा गाड़ी को छोड़ते हैं, अभी मैं वापस मतलब चल के जाऊँगा मैं भाई। ये बहुत सही था, आई मीन जैसे जैसे हम अमीर घरों में जाएंगे ना, हमको उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी चलते हैं, और अभी बस बारी है जो अपना हमको ये मिला है ज्वेलरी वगैरह, उसको पूरा अलग थलग करते हैं, और उसको अलग करके हम बेचेंगे। और जो मैंने मोबाइल फ़ोन चुराए थे, मुझे उनका भी कुछ देखना पड़ेगा भाई। ब्रेसलेट के मेरे को कितनी 400 XP मिली, दैट्स सो गुड। ओके अभी देखते कितने पैसे मिले हमको। $900 यार, बट ये बिकेगा नहीं ना, ये $900 के तो मोबाइल फ़ोन से मेरे पास, और ये गिटार बिकेगा। ओके $150 में गिटार जाएगा, ये वाला भी जाएगा। अभी ये मुझे हवाई के और सैमसंग का जो मोबाइल है उनको मुझे हैक करना पड़ेगा। वो ये कौनसोल $240 में जाएगा, ये एक और मोबाइल है, तो लगभग मेरे पास 4 मोबाइल फ़ोन से मुझे उनको सबसे पहले आई थिंक हैक ही करना पड़ेगा। ये ब्रेसलेट मैं इसको ऐसे बेच नहीं सकता, मुझे इसको सबसे पहले डिसअसेंबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते अपने घर पर, क्योंकि अभी हमको अपने घर पर जाके बहुत सारा काम करना है। ये जो ब्रेसलेट्स जो हमने चुराए थे और जो मोबाइल फ़ोन्स चुराए, उनको हमको सबसे पहले आई थिंक हैक करना पड़ेगा। कुछ हैकिंग टूल्स होंगे डेफिनेटली। स्टोरी मार्क द कैमरा इन 101। भाई क्या हुआ, मैंने मार्क तो कर लिया ऑलरेडी। गाइस आई थिंक जब वो मिशन फेल हो गया, मुझे वापस से सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिशन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। हाँ दैट्स वाई वो लॉकर के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे भाई यार। बट ठीक है मैं वो वापस कर दूंगा, बट एटलीस्ट हमने चोरियाँ तो करनी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चुरा ली। हैकिंग टूल्स, हाँ ये बाय करना है थी मुझे भाई, ये $55,000 का है यार। बट अगर ये मैंने सीख लिया ना, और ये कार लॉक पिक गन, ओ इसकी मदद से आई थिंक मैं कार को चुरा सकता हूँ वहाँ से भाई साहब। बट ये अभी मुझे गाइस हैकिंग टूल्स इसको अनलॉक करना है, और इसको अनलॉक करने के लिए कितने डॉलर चाहिए? मेरे पास 5,600 है, वो 800 तक है वो। हैकिंग टूल्स 5,500 भाई, ये लर्न क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास तो $5,600 है। हैकिंग का सीखना पड़ेगा क्या मुझे स्किल्स में से कुछ? हाँ ये level 1 इसको लर्न करते हो। ओके सीख लिया मैंने, और ये तो सारी चीज़ें अनलॉक कर ली अपना बैकपैक का। ओके हैकिंग मैंने स्किल अनलॉक कर लिया, अभी आई थिंक मैं इसको ना यूज़ कर सकता हूँ, हैकिंग वाले टूल्स को। इसको बाय करते, बाय सोल्ड आउट। ओके गाइस अभी मैंने हैकिंग टूल बाय कर लिया है, अभी इसका मदद से आई थिंक मैं हैक कर सकता हूँ चीज़ें वगैरह। ये यहाँ पे लर्न होगा। ओह नाइस, ओके सबसे पहले ये वाला मोबाइल हैक करना है, सिलेक्ट वन। यार ये होता है, ये यार मुश्किल होता है ये हैकिंग करना सीरियसली। अभी इसको मुझे इधर लेके आना है, ये मैंने वो डिनीजिन वाला जो गेम है वहाँ पे मैंने सेम चीज़ करी थी। इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, आई होप ये हो जाए। इधर बस मुझे इसको लेके जाना है, हो गया, अभी ईजीली हैक हो गया। नाइस गाइज, एक मोबाइल फ़ोन हैक हो गया अभी। अरे ये ईजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है, सही है। इसको भी जल्दी से अभी हैक करते भाई, अगर हैकिंग रियल लाइफ में इतना ईजी होता तो भाई सही हो जाता। ओके ये इसको इधर लेके आओ, इसको नीचे। अरे यार नहीं ऐसा नहीं है, इसको फिर यहाँ से इसको इधर लेके आओ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट सीख लेंगे हम लोग इसको। ओके हाँ ओके हो गया लगभग। ओके लगभग होने वाला है, इसको ऊपर
ओके हो गया. नाइस गाइस, एक और मोबाइल फोन हैक कर लिया, तो अभी मैं इन मोबाइल फोन को बेच सकता हूँ. अभी बस दो मोबाइल फोन बचे, इनको भी जल्दी से हैक कर लेते हैं. फिर इनको बेचने के बाद हमारे पास काफी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे. ये वाला एरो भी इस तरफ है. फाइनली चारों मोबाइल फोन्स को मैंने हैक कर लिया. इतना सिंपल था ये हैकिंग. तो आज के एपिसोड में हमने हैकिंग सीख लिया, एक नंबर हैकिंग होता ही है. और अभी बस मुझे इस ज्वेलरी को यहाँ पे डिसअसेंबल करना है. वो भी हमको पता है कैसे करते हैं डिसअसेंबल. बस क्लिक करो उनके ऊपर, डिसअसेंबल हो जाएगी. और मेरे पास टोटल दो ज्वेलरी है, तो मुझे लग रहा है ना मुझे पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे मिलने वाले हैं. फिर मैं मोबाइल फ़ोन को भी क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल फ़ोन नहीं बट मैं बाकी की चीज़ों को भी अभी हैक करना इजीली सीख जाऊंगा. हो गया, दोनों हार को गाइस मैंने डिसअसेंबल कर दिया. और अभी सीधा चलते हैं यहाँ से पाउन शॉप में और वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों को बेचते हैं. एटलीस्ट मुझे लग रहा है ना मुझे $4,000 तो ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि चार मोबाइल फ़ोन्स थे. हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ले लो सारी चीज़ें ले लो. एंड वी गॉट $6,600. दिस इज क्रेजी. और अभी उस मिशन को वापस करते हैं. एक्चुअली लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैं पकड़ा गया था तब मुझे वापस से उस सिक्योरिटी कैमरा को सबसे पहले मार्क करके वो मिशन करना था, बट मैंने वैसे ही कर दिया मिशन को. सो दैट्स व्हाई मुझे उस मिशन को गाइज वापस करना पड़ेगा. नो वरीज, वापस से ग्रीन व्यू में चलते 101 में और वहाँ पे जाके हम वो कैमरा उसको वापस से डिटेक्ट करेंगे. बट अच्छी बात है गाइज, मैंने हैकिंग सीख ली. और अभी मिस हैकिंग की मदद से अभी किसी भी कैमरा को या अगर मेरे को अभी मोबाइल फोन्स वगैरह मिलेंगे, हम उनको इजीली हैक करके बेच सकते हैं. तो अभी वापस से हमको मिशन करना पड़ेगा. ये रहा वो घर, एक सेकेंड, ये गाड़ी को मैं पीछे की तरफ पार्क करता हूँ, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या जो भी कुछ था, वो मेन आइटम था वहाँ पे. तो वापस मैं आ गया इस घर में और कैमरा को वापस से मार्क करते जस्ट लाइक दिस. अभी मेरे को विनी का कॉल वापस आएगा गाइस. देखो ये लास्ट टाइम मिशन फेल हो गया था ना, पता है. See that you do. Okay, तो ठीक है, अभी इस कैमरा को सबसे पहले ऑफ करते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम वो इंपॉर्टेंट डेटा स्टील करेंगे जो कि उस टैबलेट में है. लास्ट टाइम हमको वहाँ पे वो टैबलेट मिला ही नहीं क्योंकि हमारा मिशन फेल हो गया था. अभी आई होप घर के अंदर कोई नहीं होगा, नहीं तो ना बैंड बज जाएगी. ये डोर ओपन हो गया, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी मैंने. बहुत बढ़िया भाई, इन्होंने ना एकदम प्रॉपर मिशन बना रखी गेम में. दैट्स वाई ये गेम खेलने में ना बहुत मज़ा आता है. ओके परफेक्ट, घर के अंदर आई थिंक कोई नहीं है. रात में इस घर में कोई नहीं होता जो कि अच्छी बात है. अभी मुझे वापस उस सेफ को ओपन करना पड़ेगा जिसको ओपन करने में टाइम लगता है ज़्यादा. बट एनीवेज ये आ गया लॉक, उसको ओपन करते हैं. ओपन हो गया, नाइस. अभी इस लॉक के अंदर इस बार सामान होगा. और वेट, अभी गिटार इधर वापस आ गया जो कि अच्छी बात है भाई, मुझे वापस पैसे मिलेंगे, नाइस. तो अभी यहाँ पे लॉक ओपन करते हैं, जल्दी ओपन हो जाएगा, डोंट वरी. हम अभी इसमें एक्सपर्ट हो गए, बस मुझे जब भी लॉक ओपन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना होता है. और जब भी आवाज़ चेंज हो जाती है वहाँ पे रुकना है हमको. ऑन जल्दी, ओके पास आ गया, पास ओके हो गया, खुल गया. अभी आखिरी का बचा है, ओके हो गया, नाइस. अभी हमको गाइस टैबलेट मिलने वाला है, नाइस. इससे मेरे को $560 मिल जाएंगे. वेट, किसी ने सुन लिया आई थिंक बाहर, वो सुबह हो गई है ना, दैट्स वाई. यहाँ पे एक और गिटार था वो मैंने चुरा लिया है. वेट, ओ माई गॉड, नहीं 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 नहीं, पकड़ना नहीं. नहीं नहीं नहीं, जल्दी भाग. ये इस बार मिशन को मुझे फोन फेल नहीं करने देना. ये फ़ोन लगाते हैं मुझे ना, दैट्स वाई इन लोगों से बहुत नफरत है. जल्दी से भाग लेते हैं, अगर पुलिस ने इस बार पकड़ लिया वो यार मेरे को ना पकड़ लेते हैं, फिर मिशन मुझे वापस करना पड़ता है. बट इट्स ऑल राइट, हमने डॉक्यूमेंट चुरा लिए, पैसे भी चुरा लिए, दो गिटार आ गए. सो मिशन सक्सेसफुल रहा. वापस से पाउन शॉप में चलते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेचते हैं, दो गिटार को बेचते. ओके नाइस, विनी का कॉलर है वापस से. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Okay guys, तो विनी के बताने से पहले ही हमने हैकिंग भी सीख ली. हैक द टैबलेट एट होम, ओके ठीक है भाई. बट मैंने उससे पहले ही सीख लिया हैकिंग करना. और मेरे को वापस से ये लेनोवो का ये मिला है, मुझे इसको हैक करके बेचना पड़ेगा. ठीक है गाइज, लिटरली विनी जो था हमारा बॉस है उसको उसने बताने से पहले मैंने हैकिंग सीख लिया वहाँ से, वो बाय करके. बट इट्स ऑल राइट, अभी यहाँ पे हैकिंग सीखना है मुझे. और हैकिंग या ये ऊपर ही पड़ा होगा आई थिंक टैबलेट, यहीं पे पड़ा है ना, टेबल एट होम, या ये इसको आई थिंक हैक करना है अभी मुझे. ठीक है, तो विनी ने जो हमको बोला है इसको बस मुझे बाईपास करना है. यहाँ पे हैकिंग बहुत ईजी है. ओके जल्दी ये इसको इधर घुमाते हैं. इसके आई थिंक अल्टरनेट वेज होंगे, कितने वेज होते हैं पता नहीं हैक होने के. हो गया, नाइस, ओपन कर लिया मैंने इसको. उसका कॉल आ रहा है. ओके, अभी उसको हमको ये टैबलेट सेंड करना है विनी को. ओके, क्योंकि ये उसने मंगवाया था.
ओके ब्लैक वे पे चलते हैं। हाँ सेल, सेल ही करना है, सेंड करना है। ओके मैंने सेल कर दिया, ठीक है उसका कॉल आ रहा है वापस। ठीक है You know they buy car parts on Black Bay, right? Okay. But you gotta skill up if you want something to sell. Okay, अभी हमको बोल रहा है कि हम कार पार्ट्स को भी बाय और सेल कर सकते हैं ब्लैक बे पे। तो अभी मुझे यहाँ पे कार थीफ लर्न करना है। कार थीफ कहाँ पे होता है? कार थीफ, ओ ये कार थीफ, इसको लर्न कर लिया, उसका वापस कॉल आएगा। भाई मैंने कितनी सारे प्रोग्रेस कर लिया आज के एपिसोड में। It's best to learn from practice. Okay, I know an old car. I know an old car you could bring in. You know. For maintenance. Okay, तो अभी हमको कोई गाड़ी लेके आनी है। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले मैं गाड़ी का भी लॉक ओपन करना वगैरह सीखूंगा। तो भाई सीरियसली बहुत बढ़िया, अभी मुझे गाड़ी कहाँ पे मिलेगी? मुझे कोई आइडिया नहीं, या हमारे यहाँ पे स्टील। हाँ मेरे को गाड़ी चुरानी है, स्टील बॉल थ्रॉन 86 क्लासिक्स फ्रॉम 104। तो 104 में से गाइस अभी हमको एक गाड़ी चुरानी है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में चुराऊंगा। आज के यू नो थीफ सिमुलेटर में इतना ही था, मज़ा आ गया भाई आज का सीरियसली एपिसोड बहुत बढ़िया था। हमारे पास अभी अच्छे खासे पैसे आ गए, और नेक्स्ट एपिसोड में हम यू नो और भी यू नो अमीर अमीर लोगों को हम लूटेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।